कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, वो एक ऐसे संगठन के साथ मिले हुए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो टोटल एंटी इंडिया है और हिंदुस्तान के अंदर सेपरेशन चाहता है और खालिस्तान चाहता है। कनाडा को बहुत अच्छा पता है कि हिंदुस्तान निजर की हत्या में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। जब तक ट्रूडो रहेंगे सत्ता में तब तक भारत और कनाडा के रिश्ते एक तरह से आपके ये रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में पड़े हुए हैं, राइट। अब बदतर ना हो वही एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। कनाडा में कोई भी पार्टी आएगी ना, अगर ट्रूडो गए भी तो जो कंजर्वेटिव आएंगी उनका भी वोट बैंक काफी हद तक खालिस्तानी सपोर्टर्स से भरा हुआ है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री है ट्रूडो, वो एक ऐसे संगठन के साथ मिले हुए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो टोटल एंटी इंडिया है और हिंदुस्तान के अंदर सेपरेशन चाहता है और खालिस्तान चाहता है। जब आप ऐसे आदमियों के साथ बैठेंगे, ऐसे आदमियों के साथ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, स्लीपिंग विद सच हैविंग सच बेड फेलोज, तो आप यही काम करेंगे। हालांकि कनाडा को बहुत अच्छा पता है कि हिंदुस्तान निजर की हत्या में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, वो एक आपसी मामला था दो गैंग्स का जिसको मारा है उन्होंने। इन्होंने पन्नू को भी वहां जगह दी थी। पन्नू आपको पता है रोज थ्रेट देता है, कभी जी हवाई जहाज में मत जाओ, कभी वो कहता है प्राइम मिनिस्टर मोदी हम आपको मार देंगे, सब करते हैं। तो ये इनको पना देते हैं उधर। आप ये सोचिए कि अगर हिंदुस्तान से ऐसे ही थ्रेट्स कोई ट्रूडो को दे या बाइडन को दे तो फिर क्या होगा। ये जो चीज है, ये देश जो है, इनको सोचना चाहिए कि ये क्या क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अपना जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी मुल्क में किसी की हत्या के लिए कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया किसी को। अगर कोई है तो उसका प्रूफ दे, और जब से प्रूफ मांग रहे हैं उनसे वो आज तक अभी तक प्रूफ नहीं मिला। उन्होंने एक बेचारा कोई है आदमी, उसको अरेस्ट किया CIA ने और कहा जी ये है आदमी जिसने जी पैसे दिए थे, जिसने ये कराया था, जिसने वो किया था। तो बेसिक चीज ये है कि ट्रूडो जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सारे बयान देता है। जब तक ट्रूडो रहेंगे सत्ता में तब तक भारत और कनाडा के रिश्ते एक तरह से आपके ये रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में पड़े हुए हैं, राइट। अब बदतर ना हो वही एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, बट जिस हिसाब से ट्रूडो एक्ट कर रहे हैं वो तो और भी गिरेंगे। वन सेकेंडली, यस, ट्रूडो अभी काफी कमजोर कंडीशन में है। इनफैक्ट हो सकता है अपनी पार्टी के अंदर इनको बदल दिया जाए, या हो सकता है कि जब इलेक्शन हो, जल्दी हो जाए इलेक्शन और ऑपोजिशन पार्टी सत्ता में आ जाए कंजर्वेटिव। परंतु एक बात मेरे विचार से हमें ध्यान रखनी चाहिए, कनाडा में कोई भी पार्टी आएगी ना, अगर ट्रूडो गए भी तो जो कंजर्वेटिव आएंगी उनका भी वोट बैंक काफी हद तक खालिस्तानी सपोर्टर्स से भरा हुआ है। कंजर्वेटिव का जो नंबर टू विप है इनकी पार्लियामेंट में, वो भी एक सिख जेंटलमैन है और उन्होंने भी खालिस्तान की डिमांड को या काफी टॉपिक्स को जायज बताया है। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना कि ट्रूडो चले जाएंगे तो जो नेक्स्ट सरकार आएगी वो 180 डिग्री टर्न करेगी, मेरे ख्याल से वो वाइज नहीं होगा। परंतु हाँ, ट्रूडो जब हटेगा तो जो नेक्स्ट सरकार या जो नेक्स्ट लीडर आएगा वो डेफिनेटली कोशिश करेगा भारत से रिश्तों को इम्प्रूव करने की, और उस दौरान वो जब प्रयास करेगा, जब देख रहा है कि उनके देश को भी कितना नुकसान हो रहा है भारत से पार्टनरशिप ना करके, वो एशिया में पिवट करना चाहते हैं, चाइना से रिश्ते वो बना नहीं पा रहे हैं और अमेरिका भी चाइना से रिश्ते सबके काट रहा है, तो कनाडा के पास बड़ा पार्टनर कौन बचेगा, इंडिया ही तो है। तो कनाडा को कभी रियलाइज करना पड़ेगा कि भारत से रिश्ते नॉर्मल करने हैं। परंतु ट्रूडो के बाद भी जो भी आएगी पार्टी, इनकी या दूसरी पार्टी, और जो भी लीडर आएगा वो भी कुछ हद तक, काफी हद तक खालिस्तानी एलिमेंट्स का सपोर्टर रहेगा।